वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बंगाली वेब सीरीज को लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंदू सीजन 2। अब इंदू सीजन 1 के बारे में बात करें तो रिसेंटली एक तेलुगु वेब सीरीज को एक्सपेंड किया था वधु, वही इसकी रीमेक है। अब तेलुगु में सीजन 2 तो अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं आपके सामने इंदू सीजन 2 लेकर आया हूँ। सेम स्टोरी है, कॉपी पेस्ट, बस नाम अलग अलग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्टेड। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। अब वधु सीजन 1 में हमने क्या देखा था कि सारे फैमिली वाले पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान देकर वापस अपने घर आने लगते हैं। तभी इन लोगों के सामने एक गाड़ी आती है, तो उस वीडियो में ही मैंने बता दिया था पद्मा होती है वही पागल लड़की। वहाँ से वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। अब आते हैं सीजन 2 पर। सीजन 2 की शुरुआत में जब इंदू आधी रात को अपने कमरे में सो रही होती है तो इंदू को बाहर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। इंदू फटाफट से अपने कमरे से बाहर जाने पर इंदू ये देखती है कि वो पागल लड़की नीचे गिर चुकी है जिसका नाम होता है खुशी, तेलुगु में पद्मा। उसी वक्त इंदू ये भी देखती है कि उस कमरे के बाहर किसी की परछाई नजर आती है इंदू को। खैर सुबह होने के बाद जब इंदू अपने फैमिली वालों को खुशी के बारे में बताती है तो सारे घर वाले खुशी को ही डांटने लगते है, स्पेशली इंदू की सास, अगर तुम खुशी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो अपने कमरे में लाई क्यों। लेकिन इंदू का देवर सुजातो इंदू की ही तरफदारी करने लगता है। उसी वक्त सुजातो की बहन खुशी यहाँ पर आकर कहने लगती है कि माँ भैया नींद से नहीं जाग रहे, मतलब इंदू का हस्बैंड, मैंने काफी सारी बार जगाने की कोशिश की वो जगे ही नहीं, प्लीज माँ एक बार आकर देखो ना। तो सारे लोग इंदू के हस्बैंड सुजातो को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इंदू उसी कैमरे में रहते हुए खुशी की देखरेख करने लगती है। खुशी के सर पे जबरदस्त तरीके से चोट आई होती है, वही कल रात की चोट। इंदू खुशी से पूछने लगती है, अरे दीदी कल रात तो आप मेरे कमरे में सोए थे, बाहर कैसे गए। ये पागल खुशी कहने लगती है, अरे कल पुलिस वाले ने कहा था ना, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर गई। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगती है। एक्चुअली कल पुलिस वाले इंदू के घर पर आए थे सारे लोगों से पूछताछ करने के लिए। इंस्पेक्टर इंदू से पूछताछ करने पर इंदू इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि सर मैं इस घर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, मेरी रिसेंटली इस घर में शादी हुई, लेकिन मुझे जो कुछ पता है वो मैं वक्त आने पर ही मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जब इंदू उस कमरे से बाहर आती है तो इसकी सासू माँ इंदू को डांटने लगती है कि पुलिस वालों को हमारे बारे में क्या बोलकर आई हो, तुमको तो सारे लोग अच्छे दिखते हैं सिवाय मैं और मेरा बेटा। इंदू यही कहने लगती है, अरे माँ जी मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। तभी पुलिस वाले खुशी को भी बुलाते है इंट्रोगेशन के लिए। कमरे के अंदर जाते समय खुशी की माँ खुशी को डांटने लगती है कि पुलिस को कुछ मत बताना, बस तुम यही कहना कि तुमको कुछ नहीं पता। इस तरह से खुशी को पट्टी पढ़ाकर खुशी की माँ खुशी को इंस्पेक्टर के सामने ले जाती है। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि आप इस घर के बारे में कुछ बताना चाहते हो। बेचारी खुशी यही कहने लगती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। इंस्पेक्टर कहने लगता है, अच्छा ठीक है ठीक है, आपको खाने में क्या पसंद है। मुझे तो मटन बहुत पसंद है, जब भी दावत में जाता हूँ पहले मटन ही खाता हूँ। तो खुशी किसी चटनी का नाम लेती है कि मुझे वो चटनी बहुत पसंद है, लावनी मुझे पकाकर खिलाया करती थी। लावनी मतलब वही मरी हुई लड़की, सुजातो की वाइफ। ऐसा कहते हुए खुशी चिल्लाने लगती है। तब इस कमरे में इंदू आकर इंस्पेक्टर को यही कहने लगती है कि आप इनसे ज्यादा पूछताछ मत करिए। तो इंस्पेक्टर खुशी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। खुशी जाते जाते इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि अच्छी लड़कियों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता, वो भी तो अच्छी लड़की है, उसके साथ भी क्या ऐसा ही होगा। तभी खुशी की माँ खुशी को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद इंस्पेक्टर इंदू से कहने लगता है कि आपके मन में जो सवाल है उन सारे सवालों के जवाब शायद खुशी के पास ही है, एक बार खुशी से आप अकेले में बात करके देखिए, शायद वो आपको कुछ बताए। इसी में इंस्पेक्टर इंदू से ये भी कहने लगता है कि पोस्टमार्टम के दौरान लावनी के पेट में अमावट की चटनी पाई गई थी, मतलब आपके रिसेप्शन का खाना। इंदू सोचने लगती है कि जिसका मतलब मेरे रिसेप्शन का खाना किसी ने लावनी को दिया था, या तो फिर लावनी मेरे रिसेप्शन पर आई थी। तो इंदू अपने देवर सुजातो के पास जाकर यही बात पूछने लगती है, क्या तुम मेरे रिसेप्शन का खाना लावनी को देने के लिए गए थे। सुजातो यही कहने लगता है, नहीं तो। इंदू पूछने लगती है कि लावनी कहाँ पर रहती थी, ये तुम्हारे अलावा कोई और जानता था। सुजातो दोबारा ना का जवाब देने लगता है। तो इंदू के मन में यही सवाल पैदा होता है कि मेरे शादी का खाना लावनी के पेट में कैसे आया। तभी इन दोनों के पास इस घर में काम करने वाली सुंदरी आती है, वही पहले सीजन में इंदू की सास ने सुंदरी को निकाल दिया था ना। तो सुजातो सुंदरी से कहने लगता है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तुम इसी घर में काम करोगी। उसके बाद पुलिस जाने के बाद सुजातो घर के बाहर आकर किसी को कॉल करके कहने लगता है कि तुम भाभी से दूर रहो, एंजल्स ट्रम्पेट इज द डेविल्स ट्रम्पेट, ये सारी बकवास बोलने की क्या जरूरत थी, इस तरह से फोन काट देता है। इस तरह घर में खुशी की माँ खुशी को आंगन में लाकर नहलाने लगती है
और उसी तरह डांटने भी लगती है कि पुलिस वाले से खाने पीने की बात करने की क्या जरूरत थी तुमको, अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। तभी इंदु यहाँ पर आकर खुशी की माँ को डांटने लगती है कि आप दीदी को आंगन में क्यों नहला रही हो, दीदी कल से आप मेरे बाथरूम में नहाएंगे और उसी तरह मेरे कमरे में ही सोइए आप, मैं आपकी देखरेख करूंगी। इस तरह से खुशी को अपने कमरे में ले जाने लगती है। दूसरी तरफ बेवड़ी पुशी को खाना पकाना ही नहीं आता, सारा खाना गिरा देती है। तभी किचन में सुंदरी आती है। पुशी और पुशी की माँ सुंदरी को डांटने लगते हैं कि तुमने पुलिस वालों को हमारे बारे में क्या बताया। सुंदरी कहने लगती है, अरे माँ जी सारे घर में आप ही एक अच्छे हो, यही कहा मैंने। खैर रात होने के बाद इंदु खुशी को बिना नींद की दवाई दिए उसको सुलाने लगती है अपने ही कमरे में। तब इस कमरे में इंदु का हस्बैंड सुगातो आता है, खुशी से कहने लगता है कि दीदी तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। इंदु कहने लगती है, नहीं खुशी दीदी आज से मेरे कमरे में ही सोएंगी। सुगातो कहने लगता है कि मेरा कमरा है, तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा पूरा हक है। इंदु कहने लगती है, अच्छा कल कहाँ पर गया था आपका हक, कल तो मेरे मुँह पर काट फेंक कर बाहर चले गए थे। लेकिन फिर भी सुगातो इंदु का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है कि मैं इसी कमरे में सोऊंगा। एक्चुअली कल सुजातो अपने भाभी इंदु को अपनी बीवी के बारे में बोलकर रो रहा था ना, इंदु सुजातो को समझा रही थी। उसी चीज को देखकर सुगातो इंदु पर शक करने लगता है। तो यही बात इंदु सुनने पर इंदु सुगातो से कहने लगती है, इस छोटी सी बात को लेकर आप मुझ पर शक करने लगे। उसके बाद सुगातो कमरे से बाहर आकर अपनी माँ के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि माँ इंदु लावनी नहीं है, वो मेरे काबू में नहीं आएगी। सुगातो की माँ कहने लगती है, अगर खुशी उसके पास रहेगी तो सारा सच इंदु को बता देगी बेटा, कुछ करना होगा। सुगातो कहने लगता है कि माँ आप बड़ी माँ से कहो कि वो खुशी को लेकर घर से चले जाए। इस तरफ कमरे में इंदु अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके खुशी के पास आती है। खुशी बड़बड़ाने लगती है कि तू भी अच्छी लड़की है, वो भी अच्छी लड़की है, वो मर गई और जो बुरा है वो कल तक मर जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, मतलब कमरे का दरवाजा लॉक करने के बावजूद भी खुशी इंदु के कमरे से बाहर जाकर गिर गई थी। तभी इस कमरे में खुशी का हस्बैंड मीर आता है। वही हर औरत पर इसकी बुरी नजर होती है। इंदु मीर पर शक करने लगती है, क्या कल आप लिविंग रूम में आए थे, मतलब कल रात इंदु ने किसी की परछाई देखी थी ना, वो परछाई मीर की हेड से मिलती जुलती है। तो मीर साफ मना कर देता है कि मैं वहाँ पर क्यों आऊंगा, परछाई से अंदाजा कैसे लगा सकते हो आप मेरी हाइट। उसके बाद इंदु खुशी के बक्से पर एक मार्क को देखती है एंजल्स कहकर। दूसरी तरफ सुगातो अपनी नींद से जागता ही नहीं, सारे लोग उठाने की कोशिश करते हैं। तभी सुगातो के पास इंदु भी आती है, तो इंदु सुगातो के चेहरे पर पानी डालकर इसको जगा देती है। सुगातो शॉक में रहकर पूछने लगता है कि आप सारे लोग मेरे पास क्यों है। उसी लिविंग रूम में इंदु फ्लोर पर कुछ ब्लड को देखती है, सोचने लगती है कि सुगातो तो जख्मी नहीं है, तो ये ब्लड कहाँ से आया, क्या यह खून खुशी दीदी का है। उसी वक्त सुगातो मरी हुई लावनी को इमेजिनेशन करने लगता है, सारे लोगों से कहने लगता है कि ये लावनी यहाँ पर क्यों आई है, इसको कौन यहाँ पर लाया, इसे फटाफट से बाहर भेज दो। लावनी को भी बहुत डांटने लगता है। ये देखकर सुगातो समझाने लगता है, अरे भैया वहाँ पर कोई भी नहीं है। सुगातो कांच की ग्लास लेकर अपनी इमेजिनरी लावनी पर फेंकने लगता है। बाद में लावनी अपने आप गायब हो जाती है। उसके बाद जब इंदु उस कांच के टुकड़े को साफ कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ सिगरेट्स के टुकड़े होते हैं, उनकी स्मेल बहुत ही अलग होती है। तभी इस घर में काम करने वाला एक बंदा आकर सुजातो से कहने लगता है कि भैया मैंने पूजा के सारे सामान ला दिया, आप एक बार आकर चेक कर लीजिए। सुजातो की माँ पूछने लगती है कि कौन सी पूजा, क्या सामान। सुजातो कहने लगता है कि माँ मैं इस घर में लावनी का शांत करने वाला हूँ, हालांकि वो इस घर की अभी भी बहू है ना। ये सुनने के बाद सुजातो की माँ बहुत गुस्सा होने लगती है, अपनी बहन पुशी के पास आकर मदद मांगने लगता है, लेकिन पुशी भी टोटली मना कर देती है। बाद में सुजातो अपनी भाभी इंदु के पास जाकर मदद मांगने लगता है, तो इंदु मदद करने के लिए ओके कह देती है। इस तरह से जब इंदु और सुजातो बात कर रहे होते हैं, तो कमरे के अंदर से ही सुगातो इन दोनों को देखते रहता है। अपनी बहन पुशी से पूछने लगता है, क्या वो इंदु ही है ना जो सुजातो से बात कर रही है। पुशी कहने लगती है, हाँ भैया। सुगातो कहने लगता है, पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है। खैर इस तरफ पूजा के सामान चेक करते समय इंदु सुजातो से पूछने लगती है कि दीदी के पास जो बक्सा है वो कहाँ का है। सुजातो कहने लगता है, अरे बचपन में हम तीनों ने उस बक्से को यूज किया था, स्कूल ले जाया करते थे, मुझे भी पता नहीं वो बक्सा कहाँ से आया। तभी मीर सुजातो के पास लावनी की फोटो लाता है। पूजा में फोटो तो लगती है ना, मीर के फोन में पहले से ही लावनी की फोटो थी, वही डेवलप करके ले आता है। खैर अब इसी दरमियान में खुशी दोबारा अपने स्टोर रूम में चली जाती है बिना इंदु की कमरे में रहे। सुजातो खुशी के पास आकर लावनी की शाद पर बुलाने लगता है।
खुशी यही कहने लगती है कि मैं कहीं पर भी नहीं आऊंगी, मैं कहीं पर भी नहीं आऊंगी। उसी कमरे के बाहर इंदू इन दोनों की बातें सुन रही होती है। सुजाता उस कमरे के बाहर आकर इंदू से पूछने लगता है, क्या अब आपको खुशी दीदी पर भी शक है? इंदू कहने लगती है, हाँ मुझे उन पर भी शक है। आखिरकार कल रात वो मेरे कमरे से बाहर क्यों गई थी? अभी तक उन्होंने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी सुजातो की माँ आकर सुजातो को यहाँ से भेज देती है। इंदू को डांटने लगती है कि हमेशा क्यों तुम सुजातो से चिपकी रहती हो, अपने पति को छोड़कर शर्म नहीं आती? इंदू कहने लगती है, आप भी मुझ पर शक करने लगी? चलो मैं तो गैर हूँ, क्या आप अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं करते? इस तरह से उल्टा ताना डालती है। खैर उसके बाद सुजातो लावनी का शांत करवाने लगता है। पूजा में बस इंदू और मीर ही आते हैं। इसी में इंदू मीर से पूछने लगती है, क्या घर में कोई और भी जख्मी है? मीर यही कहने लगता है कि मुझे नहीं पता। तभी सौगातो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम सारे लोग इस कमरे में कैसे आए, मेरे कमरे से बाहर जाओ। सौगातो की आवाज़ सुनकर सारे लोग फटाफट से सौगातो के पास आते हैं, तो सौगातो के पास कोई भी मौजूद ही नहीं होता। सौगातो कुछ लोगों को इमेजिनेशन कर रहा होता है। बाद में इंदू अपने घर से बाहर जाकर गली के दुकान से एक सिगरेट की पैकेट खरीदकर उसमें की स्मेल सूंघने लगती है। सौगातो की सिगरेट पैकेट से कुछ और स्मेल आ रही थी। इस तरफ घर में पुशी अपनी माँ के पास आकर इंदू के बारे में बताने लगती है कि माँ आप भाभी के माँ बाप को कॉल करके बोलिए कि वो इंदू को यहाँ से ले जाए, भाभी की वजह से ही भैया की तबीयत बिगड़ रही है, भाभी जाने के बाद ही भैया की तबीयत ठीक होगी। तभी यहाँ पर पुशी की बड़ी माँ आती है, मतलब पुशी की माँ ने इन लोगों से कहा था ना कि आप घर से बाहर चले जाओ। तो पुशी की बड़ी माँ आकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि उस पागल लड़की को लेकर हम कहाँ पर जाए छोटी, हम पर रहम करो, और वैसे भी इस घर पर मेरा भी हक है ना। पुशी की माँ कहने लगती है, अच्छा अब आप हक के बारे में बात कर रहे हो, तो जाइए एक वकील ढूंढकर हम पर केस कर दीजिए। पुशी की बड़ी माँ कहने लगती है कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। तो पुशी की माँ कहने लगती है, नहीं है ना तो चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाइए, जब वक्त आए तो घर से निकल जाओ। उसी वक्त काम करने वाली बाई सुंदरी सारे लोगों को आवाज देते हुए किचन में आने के लिए कहती है, कुछ दिखाने के लिए। जब सारे लोग किचन में जाते हैं तो कद्दू के अंदर उस जहरीले पौधे के बीज होते हैं, वही धतूरा के बीज। ये देखकर सारे लोग शौक में रह जाते हैं कि कद्दू के अंदर ये बीज कैसे आए। इंदू सोचने लगती है कि कोई हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसी रात किचन में सुंदरी इंदू को लावनी के बारे में कुछ बातें बताने लगती है कि भाभी मुझे लगता है कि लावनी भाभी का किसी के साथ भी चक्कर नहीं था, एक्चुअल से उनको घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, माँ जी हमेशा उनको काम में बिजी रखती, और ऊपर से छोटे भैया हमेशा लावनी पर ही शक किया करते थे, जब वो बाहर जाती थी, जब वो किसी से फोन में बात करती थी, ऐसे में वो किसी के साथ संबंध कैसे बना सकती है। उसी वक्त किचन में सुजातो आता है, इन दोनों की थोड़ी सी बातें सुन लेता है। पूछने लगता है कि किसके बारे में बात कर रहे हो, तो इंदू बहाना बनाने लगती है, बस खाने के बारे में और कुछ नहीं। बाद में सुजातो इंदू से सिगरेट पैकेट के बारे में पूछने लगता है, मतलब सुजातो को पता चल चुका होता है कि इंदू ने गली के दुकान से सिगरेट की पैकेट खरीदी, तो इंदू भी हल्के से बहाना बनाने लगती है, हाँ जब जब सिर दर्द होने की वजह से मैं भी स्मोक कर लेती हूँ। सुजातो जाने के बाद सुंदरी इंदू से यही बात पूछने लगती है कि आपने सिगरेट की पैकेट क्यों खरीदी। इंदू जवाब देने लगती है कि सौगातो की सिगरेट पैकेट में कुछ और स्मेल आ रही थी, एक अजीब की महक थी, वही महक को चेक करने के लिए मैंने सिगरेट पैकेट को खरीदा। उसके बाद जब इंदू लिविंग रूम में आती है तो सौगातो काफी सारे सिगरेट्स पी रहा होता है टेंशन की वजह से। कहने लगती है कि आप कमरे में जाकर सो जाइए, मैं यहाँ पर सो जाऊंगी। सौगातो कहने लगता है, नहीं नहीं मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, पता नहीं कौन कौन लोग नजर आते हैं मुझे। लेकिन फिर भी इंदू सौगातो को समझा बुझाकर उसके कमरे में भेज देती है। कमरे में आने के बाद सौगातो दरवाजे के पास काफी सारी चीजें रखता है ताकि बाहर से कोई भी अंदर ना आ पाए। उसके बाद इंदू को इसकी छोटी बहन मिली कॉल करके इसके हालचाल के बारे में पूछने लगती है। बाद में ये भी कहने लगती है कि दीदी मेरे पास एक लड़की आई थी जिसके चेहरे पर एक तिल था, एक्चुअली सीजन 1 में इंदू को एक लड़की नजर आई थी ना, वही लड़की होती है ये। मिली कहने लगती है कि दीदी उस लड़की ने कहा कि आप घर के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाए, पता नहीं वो लड़की कौन थी। उसके बाद जब इंदू अपने कमरे में जा रही होती है तो मीर सारे कमरों में ताकझाक करते रहता है। ये देखकर इंदू मीर से यही बात पूछने लगती है कि जिस दिन खुशी दीदी गिरी थी उस दिन आप जागे थे ना, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आपने खुशी दीदी को नहीं उठाया, चुपचाप देखकर क्यों चले गए। तभी यहाँ पर मीर की बीवी खुशी आती है, इन दोनों को बात करते हुए देख इंदू पर शक करने लगती है कि भाभी छोटे भैया से मन नहीं भरा क्या, मेरे पति पर डोरे डालने लगी। उसी वक्त कमरे के अंदर से सौगातो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, चली जाओ। सुजातो इंदू को छोड़ दे, उसे जाने दे,
और इसी तरह सोगातो खुशी की बेटी बुलबुल को इमेजिनेशन कर रहा होता है। बुलबुल सोगातो के पास आकर जहरीला पत्ता खाने के लिए देती है। सोगातो बहुत डरने लगता है। दूसरे दिन सुजातो सोगातो को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सोगातो का चेकअप करके कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि आप इनको अकेला मत छोड़िए। वापस घर आते समय सोगातो अपने भाई से एक और बात कहने लगता है, क्या ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था? शादी होने के दूसरे दिन उस रात जब मैं लिविंग रूम में सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में घूम रहे है। लाइट ऑन करके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस दिन से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है बार बार। इस तरफ घर में पुशी अपनी माँ के पास आकर कल रात का इंसिडेंट बताने लगती है कि माँ भाभी को फटाफट से घर से बाहर ढकेल दीजिए, वो अब मेरे पति से भी बात करने लगी है। खुशी की माँ कहने लगती है कि उसे घर से बाहर नहीं घर के कामों में व्यस्त रखना होगा। दूसरी तरफ खुशी की माँ रोते हुए इंदु को अपने बारे में बताने लगती है कि सुजातो की माँ ने इन लोगों को घर से बाहर जाने के लिए कहा। अब इस मामले में बेचारी इंदु भी कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर के बाद सुजातो सोगातो वापस अपने घर आते है। सुजातो इंदु से कहने लगता है कि डॉक्टर ने कहा कि किसी न किसी को भैया के साथ रहना होगा, क्या आप रहोगे? इंदु कहने लगती है हाँ, और इसी तरह इंदु सुजातो पर भी शक करती रहती है। उसके बाद जब कमरे में इंदु और सोगातो होते हैं तो सोता हुआ सोगातो फटाफट से अपनी नींद से जाग जाता है। दोबारा लावनी को इमेजिनेशन करने लगता है, कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सुजातो तुम अपनी बीवी को लेकर जाओ। इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अजीब अजीब की बातें करने लगता है। इसी तरह से बात करते हुए सोगातो की मौत हो जाती है हार्ट स्ट्रोक की वजह से। शादी हुए एक हफ्ता भी नहीं होता बेचारी इंदु विधवा हो जाती है। सारे घर में मातम छाने लगता है। सुबह होने के बाद इंदु सुजातो से कहने लगती है कि मुझे उनकी मौत पर शक है, क्या तुम पुलिस वालों को बुलाकर उनका पोस्टमार्टम करवाओगे? तो सुजातो इसके लिए टोटली मना कर देता है कि भाभी डॉक्टर ने खुद कहा कि भैया को स्ट्रोक हुआ है, पहले से उनका बीपी हाई था। बाद में इंदु सुजातो से सिगरेट पैकेट के बारे में पूछने लगती है, क्या तुमने अपने भैया का सिगरेट की पैकेट को देखा? मतलब कल रात से इंदु ने सोगातो की सिगरेट पैकेट को नहीं देखा। तो यह सुनने के बाद सुजातो इंदु की बातों पर इतना गौर नहीं करता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुजातो की माँ रोते हुए इंदु को ही कोसने लगती है कि उसने मेरे बेटे को खा गई, काश कल रात में मेरे बेटे के साथ होती तो यह हादसा पेश नहीं आता। इंदु इस कमरे में आकर सुजातो की माँ से पोस्टमार्टम की बात करने लगती है। यह सुनने के बाद सुजातो की माँ टोटली मना करने लगती है कि मैं अपने बेटे के साथ ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी, तुम पहले मेरे घर से दफा हो जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद शॉकिंगली पुलिस वाले इस घर पर आते हैं। इंदु शॉक में रह जाती है कि मैंने तो पुलिस वालों को नहीं बुलाया। तो इंदु पुलिस वालों से यही बात पूछने लगती है कि आपको खबर किसने दी? पुलिस वाला कहने लगता है, अरे सुजातो जी ने, उन्होंने ही हमको यहाँ पर बुलाया और ये भी कहा कि हम ये बात किसी को ना बताए। तभी यहाँ पर सुजातो आकर इंदु से यही कहने लगता है कि मुझे भी भैया की मौत पर शक है और मैं नहीं चाहता कि घर वालों को पता चले कि मैंने पुलिस को बुलाया। बाद में इंदु इस इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो दे दूंगी, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर पाएंगे? इस घर वाले मुझे अपने मायके भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं यहीं पर रहकर सच जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? तो इंस्पेक्टर कहने लगता है हाँ वो काम हो जाएगा। बाद में इंदु अपने शादी वाले दिन के बारे में बात करने लगती है कि किसी ने मेरे घर मच्छी के पेट में धतूरे का पत्ता रखकर भेजा, इसी के बारे में पता करने के लिए मैंने एक छोटी सी चाल चली। एक्चुअली जिस रात खुशी इंदु के कमरे में आकर सो रही थी ना, उसी वक्त सुंदरी से इंदु को ये बात पता चली कि कल सुजातो लावनी का शांत करने वाला है। तो इंदु सुंदरी को बोलकर ही उस कद्दू के अंदर धतूरे के बीच डलवाया था ताकि इंदु घर वालों का रिएक्शन देख पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंदु को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। सारे लोग शॉक में ही थे। बाद में इंदु इंस्पेक्टर से सिगरेट पैकेट के बारे में भी बताने लगती है कि मेरे पति सोगातो की सिगरेट पैकेट में कुछ अजीब की महक आ रही थी। उनके मरने के बाद जब मैं उस पैकेट को तलाश करने लगी तो वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। उन सिगरेट्स में कुछ था, उसी से मेरे पति हैलुसिनेट हो रहे थे। उसी तरह इंदु इंस्पेक्टर से एक और मदद मांगने लगती है, क्या आप एक लड़की के बारे में पता कर सकते हो जिसके चेहरे पर तिल है? खैर अब इंदु को संभालने के लिए इंदु के माँ बाप यहाँ पर आते हैं। सुजातो की माँ ने बुलवाया। तब इंस्पेक्टर सारे घर वालों को बुलाकर कहने लगता है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता, तब तक इंदु इसी घर में रहेगी। खैर रात होने के बाद सुंदरी इंदु को उस लड़की के बारे में बताने लगती है जिसके चेहरे पर तिल है। एक दिन वो लड़की लावनी से बात कर रही थी, उसे झगड़ा कर रही थी। ये सुनने के बाद इंदु शॉक में रह जाती है। उसी वक्त इंदु की छोटी बहन मिली इंदु के घर आती है, इसको दिलासा दिलाने लगती है। मिली कहने लगती है कि दीदी शायद उसी लड़की ने
मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा हो, उसी ने आपको मछली के अंदर धतूरा पत्ता रखकर भेजा हो, शायद वो लड़की आपको कुछ बताना चाहती है दीदी। पहले आप उस लड़की के बारे में पता करो, सब राज बाहर आएंगे। इस तरह से यहाँ तक 4 एपिसोड्स खत्म होते हैं, बाकी 4 एपिसोड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।